बार बार वक्ताएं बोल रहे हैं कि चुनाव समस्या का समाधान है, समस्या का समाधान चुनाव नहीं है। फासिस्ट एलिमेंट्स लगातार कैंपस को गुंडागर्दी का एक अखाड़ा बना चुकी है, इनके खिलाफ हमें एक बहुत ही प्लैंड वे में रेसिस्टेंस देना होगा। रेसिस्टेंस बहुत प्लैंड होना चाहिए। मैं रितेश दर दुबे सर जो जिन पे हमला हुआ है, उनके एक मित्र है मृत्युंजय सर, मैंने 2-3 शिक्षकों को ही देखा है जो लॉ फैकल्टी में कुछ आउट ऑफ बॉक्स पढ़ाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते हैं। हमेशा मैंने देखा है कि कैंपस में कोई इवेंट होता है, रितेश सर खड़ा होकर सवाल पूछते हैं। मैंने उनको बोला डूटा में कैंटीन में कि सर आप भी तो इस कैंपस की प्रतिष्ठा है, आप सवाल पूछते हैं सर आप। मैं उनसे कुछ सीखा है, मैंने अगर सवाल पूछना सीखा है, अगर सवाल पूछना ही सवाल बन जाए तो बहुत ही स्थिति शर्मनाक है, बहुत डेंजरस टाइम चल रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, डेमोक्रेसी इज इजिली प्रोक्लेम्ड एंड प्रैक्टिस्ड। इस दौर में जो लीडरशिप है उसको और डेमोक्रेटिक होने की जरूरत है। साथियों, लिबर्टी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, ये ऑरवेल की लाइन है, जॉर्ज ऑरवेल की, इफ लिबर्टी मीन्स एनीथिंग एट ऑल इट मीन्स द राइट टू टेल पीपुल व्हाट दे डू वांट टू हियर, व्हाट दे डू नॉट वांट टू हियर। लिबर्टी का मतलब होता है वो बात कहना जो आप सुनना नहीं चाहते। एंड व्हाट इज यूनिवर्सिटी माय फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी इज द स्पेस फॉर डायलॉग, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी। और अगर डोमिनेंट नैरेटिव ये कहता है एक समय में कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है, एक समय में ये डोमिनेंट नैरेटिव था और इसके लिए एक बंदे को फांसी दिया गया, तो हमें फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि समय है अभी। जो गो माता का नाटक चल रहा है, जो पूरा जो ड्रामा चल रहा है, तो उसके खिलाफ ये समय है कि फांसी पे हम लोग चढ़ जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि फांसी पे चढ़ जाए, उनको फांसी पे देना है। साथियों, मैं लॉ स्टूडेंट हूं इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है कि क्या इस देश के कानून कहता है। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। उस साफ जजमेंट में 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने साफ साफ कहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के में कौन सा चीज जो है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एडवोकेसी, डिस्कशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंसाइटमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, आप उकसा रहे हैं भीड़ को, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है अगर वो भीड़ हिंसा नहीं कर रही। लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं फॉलो करना चाहती, दे डोंट वांट टू फॉलो देयर ओन लॉ। श्रेया सिंगल के भी जजमेंट में यही है, श्रेया सिंगल के भी जजमेंट में साफ साफ प्रोविंटर नरिमन ने कहा है कि एडवोकेसी और डिस्कशन अलाउड है और इंसाइटमेंट भी अलाउड है। अगर आप माओइस्ट आइडियोलॉजी भी रखते हैं, वायलेंट रिवोल्यूशन की कल्पना रखते हैं, तो वो लीगली परमिसिबल है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, और इसको होल्ड करने के लिए आपको सड़कों पर मार्च करना होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बनने को तैयार नहीं है अपनी कोर्ट।